हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम आज मैं बात करने वाला हूँ। दिस इज़ द वीडियो पार्ट टू ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर अबाउट द कंप्यूटर। तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो चीज़ें हो सकती हैं जिसको आप देखते हो और फिजिकली टच कर सकते हो, जैसे मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, वो चीज़ें। अब सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर एक तरह का एप्लीकेशन भी हो सकता है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पीपीटी और विंडो 7 जो अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी आप पहले भी अपने क्लास में टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एप्लीकेशन भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन, फाइल, फोल्डर वो सब रन हो सके। तो एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट ब्रांड का डिफरेंट होता है, जैसे विंडो का है। आपको मैं यहाँ पे कुछ बता दूँ, ये देखिए कुछ एग्जांपल आपको दिया गया है। आपके फ़ोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे जेलीबीन है, लॉलीपॉप है, तो आप देखेंगे ये डिफरेंट जो है ये सॉफ्टवेयर है। इनके ग्राफिक्स वो अलग होते हैं। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि स्क्रीन, सॉफ्टवेयर और इंसान के बीच का कम्युनिकेशन कैसे हो पा रहा है, तो वो भी है। अब इसके फंक्शन क्या बताया गया, जैसे कंप्यूटर में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इनपुट डेटा यानी डेटा डालना पड़ता है। जैसे कि आपने मान लो 2 लिखा और प्लस 2 किया, तो ये डेटा कहीं प्रोसेस होगा इसका रिज़ल्ट आने के लिए, और फिर ये डेटा आपको इसको रिज़ल्ट मिलेगा 4। और उसके बाद आप चाहो तो इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, इसको आप वापस कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे कंप्यूटर के फंक्शंस के बारे में बताया गया है कि इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। सबसे पहले चलिए इनपुट के बारे में जान लेते हैं। इनपुट वो चीज़ें होती हैं जो एक यूज़र यानी कि एक व्यक्ति कंप्यूटर में डेटा को इंसर्ट करता है। जैसे आप नोटबुक में लिखने का काम करते हैं, ऐसे ही इनपुट में डेटा अंदर डाला जाता है। फिर डेटा प्रोसेस होता है यानी कि उसमें आ जाता है, डिस्प्ले होने लग जाता है, फिर आप उस फाइल को स्टोर कर देते हैं। फाइल को कभी भी ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हो। जब आप उसको ओपन करोगे या प्रिंट निकालोगे तो आपको सेम उसका हार्ड कॉपी या स्क्रीन पे बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ मिलेगा। दैट इज़ अबाउट आउटपुट। समझ गए, इनपुट में डेटा टाइप होता है, प्रोसेसिंग में डेटा नज़र आना चालू होता है और स्टोरेज में आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं, फिर वापस ओपन करेंगे तो फाइनली जो आपको लास्ट में नज़र आएगा वो आउटपुट कहलाएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट माध्यम से समझाया गया है। मान लेते हैं कि कार है जो रोड पे रन हो रही है, तो किससे रन हो रही है, डीजल या पेट्रोल से, सही बात है। उसके इंजन सब वर्क कर रहे हैं और उसकी वजह से जो कार है वो आपका क्या हो पा रहा है, मूव हो पा रहा है, तो वो आउटपुट नज़र आया। फिर ऐसे ही फ़ोन के बारे में बताया गया, आपने इनपुट में कोई नंबर डायल किया, बीच में कनेक्शन लगा और फिर फाइनली आपकी उस आदमी से बात हो रही, दैट इज़ आउटपुट। ATM में आप गए, आपने ATM कार्ड लगाया, मशीन ने डेटा को रीड किया और फिर आपने मनी टाइप किया और आपका पैसा आपको मिल गया। तो आप डिफरेंट जगहों पर इनपुट आउटपुट जान सकते हैं। द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि कंप्यूटर की कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानना है। पहला चीज़ दिया गया है इनपुट यूनिट के बारे में। इनपुट यूनिट के बारे में क्या कहा गया है, इनपुट यूनिट इज़ फॉर्म्ड बाय अटैचिंग वन और मोर इनपुट डिवाइस टू अ कंप्यूटर। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक या एक से अधिक इनपुट डिवाइस जो हैं वो कंप्यूटर पे आप अटैच कर सकते हो, यानी कि डेटा वहाँ से ले सकते हो, डेटा उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। किसकी मदद से, कीबोर्ड और माउस की मदद से। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इसके बारे में आपको चित्र भी दिया गया है। इंटेल कोर i7, तो ये डिफरेंट होते हैं। और एक तरह से देखा जाए ये स्पीड डिटरमाइन करता है कि पर सेकंड या पर मिनट में कितना डेटा जो है वो प्रोसेस होगा। तो ये प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU के मेन पार्ट है, जिसको आप ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हो। ये काफ़ी माइक्रो होता है, सिलिकॉन पीस होता है, टाइनी पीस होता है। फिर आउटपुट यूनिट के बारे में बताएं आपको, तो आउटपुट यूनिट में वो होता है जैसे मॉनिटर है, उस पर डेटा आप देख सकते हो, प्रिंटर से रीड आउट कर सकते हो पेपर हार्ड कॉपी में निकाल के। फिर वापस यहाँ पे आपको लेट्स कंपेयर बताया गया है। कंप्यूटर कंपोनेंट, कंप्यूटर और ह्यूमन बींग, तीनों चीज़ के बारे में आपको कंपेयर बताया गया है। यहाँ पर अगर देखें तो इनपुट यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, आर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, ये कंप्यूटर की बात रही।
यस कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। अब कंप्यूटर के बारे में बताएं तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, कीबोर्ड और माउस की मदद से डेटा अंदर ले सकता है, बट इंसान कान नाक मुंह की मदद से डेटा अपने अंदर मतलब सुन सकता है, कह सकता है ऐसे। फिर मेमोरी यूनिट, इसमें बताया गया कि जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी रहती है, लेकिन इंसान का जो ब्रेन रहता है उसमें स्टोरेज कैपेसिटी रहती है। अरिथमेटिकल लॉजिकल, यस लॉजिकल यूनिट, इसमें कैलकुलेशन प्रोसेस होता है, और इंसान के ब्रेन में ये सेम चीज़ें होती है। जैसे मैं आपको 2+2 बोलूँ तो आप दिमाग से सोच के बोलेंगे सर 4 आंसर होता है। फिर कंट्रोल यूनिट, यस ये फंक्शन को कंट्रोल करता है, और इंसान का जो ब्रेन होता है वो पूरी उसकी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये आपने कुछ डिफरेंस मतलब कॉमन चीज़ें पढ़ी, कंप्यूटर और इंसान में क्या फ़र्क है वो चीज़ें आपने इसमें जानी। आउटपुट में बताया गया है कि जिसमें रिजल्ट आप प्रिंट आउट करके निकाल सकते हो या देख सकते हो, और इंसान के मन के अंदर क्या चीज़ है वो उसकी आवाज़ से, उसके शब्दों से, उसके अवभाव से आप समझ पाओगे। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात बताई गई हमें यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और कंप्यूटर के बारे में बताई गई हैं, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। डेटा आपने कंप्यूटर में डाला, कैलकुलेट हुआ, फिर ये हुआ, फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आया, यस। तो यहाँ पे डेटा जो है इंस्ट्रक्शन जो भी सेट है उसमें चीज़ें जो है अपने ऑर्डर में आ रही हैं, फिर फाइनली आपको स्क्रीन पे नज़र आना चालू होती है। तो ये पिक्चर का ये मतलब था। अब हम आगे बात करेंगे CPU और उसके पार्ट के बारे में। आपने तो CPU को कंप्यूटर का ब्रेन माना हुआ है, सही बात है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट यानी कि पार्ट हैं। जैसे कि सबसे पहला पार्ट जो है वो मेमोरी यूनिट का है, जो स्टोरेज का काम करता है। फिर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कैलकुलेशन का काम करता है। फिर CPU को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आपको यहाँ पर कुछ आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है जॉन वॉन न्यूमन, यस। इन्होंने ALU का कॉन्सेप्ट रखा था कब, 1945 में, यानी कि ये वो आदमी पहले हैं जिन्होंने ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के बारे में सोचा था और फाउंड किया था, और फाइनली जो एक कंप्यूटर था उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम CPU के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, मेमोरी यूनिट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो दो तरीके की हो सकती है, एक होता है इंटरनल मेमोरी, दूसरा होता है एक्सटर्नल मेमोरी, यस। चलिए अब मेमोरी में भी, इंटरनल मेमोरी में भी आपको दो मिलेंगे, एक मिलेगा रैम और एक मिलेगा रोम, यस। तो ये रैम और रोम क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, रैम जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, आपने भी कंप्यूटर में देखा होगा, यस। या फिर इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए रैंडम का शब्द का मतलब क्या होता है, यस, यानी कि कुछ भी ऐसे, या कोई भी पहले आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, ऐसे फिक्स नहीं है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी देन कैन बी एक्सेस रैंडमली वेन एवर वट एवर इंफॉर्मेशन वी एंटर इन टू द कंप्यूटर गोज इन टू रैम एंड रिमेन देयर एज लॉन्ग एज वी आर वर्किंग ऑन अ एप्लीकेशन। बच्चों जैसे मान लेते हैं कि आप कंप्यूटर पे बैठे हुए हो और आपने अपना वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लिया है, उस पर आप माई सेल्फ लिख रहे हो, तो प्यारे बच्चों जो चीज़ें आप टाइप कर रहे हो वो सबसे पहले कहाँ जाके स्टोर होती हैं, रैम में। कहाँ पर, रैम में। क्या वो, अगर मान लो फाइल को मैं एग्ज़िट हो जाऊं तो क्या वो फाइल मुझे वापस वैसी लिखी हुई मिलेगी? आपका जवाब होगा नो सर। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर फाइल को लिखने के बाद आपको उसको कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। कहाँ क्या करना पड़ेगा? स्टोर भी करना पड़ेगा। सिर्फ लिखने से फाइल स्टोर नहीं हो जाएगी, लेकिन हाँ कुछ देर के लिए वो स्टोर होती है, पर वो जहाँ भी स्टोर होती है उसको हम रैम कहते हैं। क्या कहते हैं? रैम। इसमें भी टाइप ऑफ रैम है, डिफरेंट डिफरेंट रैम दिए गए हैं 3-4 तरीके के, जैसे DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में बताया गया है कि इट स्टोर डेटा टेम्परली एज द डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई इज सस्पेंडेड, यानी कि अचानक से पावर चला जाए तो भी ये डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रहेगा, और जब आप कंप्यूटर चालू करेंगे और वर्ड ओपन करेंगे तो आपको बताएगा कि पुराना फाइल ऑटो सेव है, उसको आपको अगर करना है तो कर सकते हो, नहीं तो फिर उसको जाने दीजिए। फिर SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस, में बताया गया है कि ये काफ़ी फास्ट काम करता है, काफ़ी महंगा भी है, यस। इट डज़ नॉट नीड टू बी रिफ्रेश लाइक DRAM। इसमें डॉक्यूमेंट जो है अपने आप जो है रिटेन इन्फॉर्मेशन, यानी डॉक्यूमेंट, जैसे आपने देखा होगा कि DRAM में हमने बताया कि उसमें जो चीज़ें होती हैं वो साइड में नज़र आती हैं कि आपने भैया पहले ये टाइप किया था, लेकिन स्विच कंप्यूटर की पावर जाने की वजह से आप उसको स्टोर नहीं कर पाए, तो आपके पास वापस मौका अवेलेबल है, आप स्टोर करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो जाने दीजिए। वैसे इसमें क्या बताया गया है कि फास्ट है, एक्सपेंसिव है, और ये
DRAM जैसा नहीं है, इट लॉस डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, यानी कि जब पावर चला जाएगा तो आपका डेटा भी चला जाएगा। फिर आता है SD RAM, ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। यस, तो यहाँ पे दिया गया इट इज़ यूज साइनोक्रॉन्स इंटरफेस टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट हाई स्पीड, दिस इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ अ कंप्यूटर एज डेटा इज डिलीवर्ड इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन। तो ये हाई स्पीड रैम है, यस, जो इसके पास एफिशिएंसीज हैं कि ये डेटा को क्या कर सकता है, कम ड्यूरेशन में ट्रांसफ़र कर सकता है। फिर DDR यानी डबल डेटा रेट मेमोरी के बारे में बताया गया है, यस, कि इसके अंदर चार सिस्टम का वर्जन लगा रहता है, इसको कम पावर चाहिए, इसकी स्पीड जो है डबल है SD RAM से। यस, इसमें हाई स्पीड रैम जैसे कि DDR2, DDR3, DDR4, इन सब का कंबाइंड रहता है। और ये किस प्रोसेसर पे चल सकता है, i3, i5, i7 पे। तो प्यारे बच्चों, ये हमने किसके बारे में पढ़ा, रैम के बारे में पढ़ा, जो कि एक टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। अब हम रोम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रीड ओनली मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि इट इज़ टाइप ऑफ मेमोरी फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड, वेयर एज इन अ रैम द इंफॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम एंड ऑल्सो राइट टू। इट इज़ अ नॉन वोलटाइल मेमोरी एज इट स्टोर इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे परमानेंटली स्टोर हो जाता है, यानी कि आपके किसी डी या सी ड्राइव में। डेटा स्टोर्ड इन रोम कैन नेदर बी मॉडिफाइड नॉर रिमूव्ड, द प्राइमरी यूज ऑफ रोम इज ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस, इट स्टोर इट स्टोर बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम, इट इज इनिशियल प्रोग्राम यूज टू स्टार्ट अ कंप्यूटर व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। एग्जाम्पल, एन ऑडियो वीडियो डिक्स रिजेंबल ए रोम, वंस द सॉन्ग आर बर्न ऑन अ CD द डिक्स कंटेन कैनॉट बी चेंज्ड। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे ऐसा बताया गया कि एक बार जो चीज़ें आपने टाइप कर दी वो हमेशा के लिए उसमें स्टोर हो जाती हैं, ऐसा बताया गया। बिल्कुल उस तरह CD की तरह, जिस तरह आपने देखा होगा कि एक CD होती है, एक ब्लैंक CD होती है, उस ब्लैंक CD को क्या होता है कि उसमें आपको कुछ डेटा राइट करना पड़ता है, यानी कि उसमें बर्न की मदद से डेटा को लिखना होता है। आप जब एक बार CD में डेटा लिख देते हो तो डेटा वो, यस, क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, वो डेटा रहेगा। लेकिन हाँ, आप उसको बाद में चेंज कर सकते हो किसी दूसरे एप्लीकेशन या फाइल फोल्डर की मदद से, यस, लेकिन आप उस वक्त तो उसको चेंज नहीं कर पाओगे कुछ देर तक, यस, क्योंकि आप जब कभी भी वो CD लोड करोगे तो उसके अंदर जो भी कंटेंट होंगे वो आपको नज़र आएंगे, चाहे आप एक कंप्यूटर में करें चाहे दूसरे कंप्यूटर में करें। तो ये जो रोम होता है, यस, ये परमानेंट मेमोरी होती है, और इसके भी टाइप्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, द कंटेंट कैन बी प्रोग्राम्ड यूजिंग अ स्पेशल डिवाइस नोन एज प्रोम प्रोग्राम, इट इज़ कॉल OTP, वन टाइम प्रोमरेबल रोम, विच मीन्स इट कैन प्रोग्राम ओनली वंस एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कैनॉट बी मॉडिफाइड लेटर। प्रोम्स प्रोवाइड अ फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव अप्रोच फॉर शॉर्टिंग। इसमें क्या बताया गया कि इसमें डेटा पहले से ही सेट हो जाता है, फिर आप उसको, वो हमेशा के लिए रहता है, और आप, ये फास्ट भी है और आप इसमें उसके डेटा को चेंज नहीं कर पाओगे। फिर EPROM के बारे में बताया गया है, इसमें डेटा इरेज हो सकता है, दोबारा आप लिख भी सकते हो, यस, किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से। फिर उसके बाद EEPROM, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यस, तो इसके बारे में भी बताया गया कि ये जो कंटेंट है ये चीप कैन बी इरेज, यानी जो डेटा इरेज हो जाएगा फिर रीप्रोग्राम भी हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। फिर फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि विच मेंटेन द स्टोर इन्फॉर्मेशन इवन विदाउट अ पावर सोर्स, यानी कि जैसे आपका, ये देखते होंगे फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप उसको पावर की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी उसमें चिप लगा रहता है, उसमें भी डेटा स्टोर रहता है, यस। फिर उसके बाद मार्क्स रोम के बारे में यहाँ बताया गया है कि इट इज़ अ मेमोरी दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड विद इट्स कंटेंट, दिस चिप कंटेन अ सॉफ्टवेयर मार्क्स दैट इज़ बर्न ऑन द चिप ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इट इज़ यूज इन द कंप्यूटर सिस्टम दैट इज़ रिक्वायर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो मार्क्स रोम क्या होता है कि पहले से ही जो डेटा कंप्यूटर में डाला गया है उस मेमोरी में है, ताकि कंप्यूटर उसकी मदद से
चीज़ों को स्टोर कर सके या आगे यूज़ कर सके, यस, तो वो चीज़ें फिक्स होती हैं, ऐसा बताया गया है। फिर आता है कैच ऑफ द मेमोरी। कैच ऑफ द मेमोरी का मतलब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो भी जंक या दूसरी चीज़ें होती हैं, जो अनवांटेड चीज़ें डेटा स्टोर हो जाते हैं, तो वो कैच ऑफ द मेमोरी होती है। जैसे कि आपके फ़ोन में भी आपने कभी ना कभी कोई एंटीवायरस या दूसरी चीज़ें क्लीन स्कैनर करके किया होगा। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। तो एक्सटर्नल में बहुत सारी चीज़ें हैं, यस, जो आपको देखने को मिलती हैं, यस, जैसे कि सीडी है, डीवीडी है, या दूसरी चीज़ें हैं जो बाहर से अटैच होती हैं, यस, बाहर से अटैच होती हैं, वो आपको देखने को मिलती हैं, यस। अब आपको मैं मेमोरी यूनिट के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे छोटा जो यहाँ पे बाइट है, टेराबाइट है, तो ये यूनिट आपको दिए गए हैं। सबसे छोटी जो यूनिट है वो निबल है, और सबसे बड़ा जो है वो पेंटाटैब यूनिट है। ये मेमोरी यूनिट है, क्या है? मेमोरी यूनिट। फिर ALU के बारे में बताया गया है कि ALU का जो कॉन्सेप्ट है, यस, वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, जो सारी चीज़ों को कैलकुलेशन या ऑपरेशन या लॉजिकल थिंक में हेल्प करता है कंप्यूटर को, तो वो ALU है। फिर कंट्रोल यूनिट के बारे में दिया गया है, तो कंट्रोल यूनिट के बारे में बताया गया है आपको ये कि दिस यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ एवरी अदर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंट्रोल यूनिट बिल्कुल इंसान के दिमाग जैसा होता है, जैसे इंसान का दिमाग बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ये यूनिट जो होता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को कमांड या कंट्रोल करता है टाइम टू टाइम। ये ALU को भी इंस्ट्रक्शन देता है, ऑपरेशन में हेल्प करता है, ये चीज़ों को डिस्प्ले करने में भी हेल्प करता है। तो टाइम टू टाइम कहाँ पे क्या काम करना है वो कौन डिसाइड करता है? कंट्रोल यूनिट, जो कि CPU के अंदर का एक पार्ट होता है। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कंबाइन वर्जन होते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया है कि एनालॉग कंप्यूटर, जो पहले के ज़माने में कंप्यूटर आते थे कुछ ऐसे दिखते थे, यस, फिर डिजिटल कंप्यूटर जो डिजिटलाइज थे और किसी स्पेसिफिक काम के लिए डिज़ाइन किए गए थे। इसमें भी कंप्यूटर डिजिटल वाले दो तरीके के हैं, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो कि स्पेशली किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर। ये कंप्यूटर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, यस, और इनको आसानी से मूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और जनरल यानी कि कॉमन चीज़ें, यस, हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है दोनों का कंबाइन वर्जन होता है। और आज हम जो डिजिटल कंप्यूटर में पढ़ेंगे वो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के आपको टाइप्स दिए गए हैं डिजिटल के अंदर। तो माइक्रो की बात करें तो माइक्रो वाला कुछ इस तरह दिखता है, जैसे आप देख सकते हो, यस, नीचे कीबोर्ड कीपैड हैं और डिजिटल दिख रहा है आपको, यस, ये IBM है। फिर लैपटॉप आप देख सकते हो, उसके बारे में आपको दिया गया है डिफरेंट। फिर नोटबुक कंप्यूटर आप देख सकते हो कैसा है, टैबलेट देख सकते हो, हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो हाथ में पकड़ा जा सकता है वो कंप्यूटर देख सकते हो, एम्बेड सिस्टम कंप्यूटर, यस। तो ये आप जितने भी देख रहे हो, ये सब जो पार्ट हैं, ये किसके पार्ट हैं? ये पार्ट हैं माइक्रो कंप्यूटर यानी छोटे कंप्यूटर के। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर मिनी कंप्यूटर के बारे में दिया गया है। ये कंप्यूटर आप देख सकते हैं कैसे इतने थोड़े थोड़े बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर, यस, और ये मिनी फ्रेम वाले तो बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, लार्जर होते हैं, मिनी से भी ज़्यादा होते हैं। और सुपर कंप्यूटर तो बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं उसमें। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताया गया है प्यारे बच्चों, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के बारे में क्या बताया गया है कि CPU के स्पीड के बारे में बताया गया है कि कितने क्लॉक पर यूनिट ये काम करता है, यस, उसके बारे में बताया गया है। रैम के बारे में बताया गया है कि उसकी फास्टर कितना फास्टर है। हार्ड डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी वाला डिवाइस होता है, उसके बारे में बताया गया है, यस। तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं कंप्यूटर के बारे में। फिर उसके बाद ओवरऑल व्यू कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी को लेकर दिया गया, जैसे ईमेल है, टेक्स्ट मैसेजिंग है, चैट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ब्लॉग लिखना हो गया, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं कंप्यूटर की मदद से, यस। ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं, न्यू नेटवर्क,
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह शेयरिंग करना, या विकीपीडिया से, यस जिसमें इंफॉर्मेशन ढेर सारी अवेलेबल रहती हैं जब आप गूगल पर सर्च करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक्सेस की जा सकती हैं या पॉसिबल हैं। यस, तो ये प्यारे बच्चों आपका कुछ चैप्टर था। एक्चुअली ये जो चैप्टर था इसमें आपने एक्चुअली 3 चैप्टर के बराबर पढ़ा हुआ है। ये आपने पहले भी देखा है, आपने अपने प्रीवियस क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़ा है। यस, आप कंप्यूटर की नोटबुक बनाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो सॉल्यूशन आएगा उसका आप क्वेश्चन आंसर जो भी है वो लिखेंगे। ओके?